मनुस्मृति के ऊपर लगातार विवाद चलता रहा है, लेकिन आज भी मनुस्मृति को लोग पढ़ाने पे जोर दे रहे हैं। सर आपने देखा ये मनुस्मृति दहन करी जा रही है डीयू यूनिवर्सिटी के अंदर। आज जितने भी लोग सदन के अंदर बैठे हैं जो संविधान को बचाने की बात करते थे, लेकिन वह सब मनुस्मृति पे कोई जवाब नहीं दे रहा है, उस पर कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। लेकिन बहन जी ने भी खुलकर इस पे अपनी प्रतिक्रिया रखी है। बहन जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि मनुस्मृति जो है उसको हटा करके बाबा साहब ने मनुस्मृति को लागू किया और मनुस्मृति और संविधान में दूर दूर तक कोई भी एक जैसा फर्क नहीं है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसमें और मनुस्मृति में जमीन आसमान का डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि मनुस्मृति जाति व्यवस्था को वो करती है, ऊंच नीच में विश्वास रखती है, छोटे बड़े का भेद रखती है, बहुत आक्रामक रूप से ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी इनके विरुद्ध भयंकर वो यातनाएं प्रताड़नाएं और बहिष्कार तमाम तरह के प्रतिबंध शिक्षा शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक हर तरह के प्रतिबंध लगाती है। तो ये ऊंच नीच पे आधारित है और जबकि बाबा साहब का महान संविधान जो सबको स्वतंत्रता सबको समता न्याय बंधुता सबको इक्वल वो राइट देता है और समानता की नजर से देखता है, तो इसीलिए इन दोनों में कहीं का कहीं वो फर्क नहीं है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में वो लोगों ने मनुस्मृति दहन किया है, ठीक है, वो जरूरी था क्योंकि उसका प्रतिरोध करना था। आज से लागू कर रहे थे वो मनुस्मृति को वहां पर पढ़ाना, एक उसका न्याय चक्र एक उसका एक पार्ट है उसका, ये उसको अपने सुविधा के हिसाब से उसको पढ़ाना चाह रहे थे कि भाई उसमें जो अच्छी चीज है, पहले तो अच्छी कुछ चीज है नहीं उसमें, न्याय चक्र जो जो उसका पाठ्यक्रम है उसका जो हिस्सा है उसमें भी जो न्याय का तरीका है इनका सिर्फ एक ब्राह्मण को ही उसमें तमाम सुविधाएं हैं, बाकी उसके नीचे क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो तमाम के ऊपर भारी भारी यातनाएं हैं और बहुत भयंकर यातनाएं। देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से ये समझता हूं कि देखिए हमें जो इसमें पाठ्यक्रम में लेकर के आ रहे हैं पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालय स्कूलों में, तो मैं तो समझता हूं कि देखिए मेरी व्यक्तिगत राय है कि इसको पढ़ा देना चाहिए, ये देश दुनिया के सामने आना चाहिए कि कितनी घनघोर ये अमानवीय ये आचार संहिता थी, कितने भयंकर ये कायदे कानून थे हिंदू धर्म के, कितने इन्होंने मनुष्यों के महिला पुरुष और तमाम वो निम्न जिनको निम्न कहते हैं शूद्र और अछूत उनके विरुद्ध कितने भयंकर इन्होंने प्रताड़नाएं दी हैं, कितनी भयंकर इन्होंने प्रतिबंध लगाए पीने के पानी तक से लेके, शिक्षा ना लेने से लेके, वेद पढ़ने अगर किसी ने सुन लिए वेदों के मंत्रोच्चारण तो उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए, तमाम ये मैं व्यक्तिगत देखिए हम जो बहुजन मिशनरी है ये मनुस्मृति की कहानियों को सुनाते हैं ना, लोगों को बताते हैं इसकी बुराइयों को बताते हैं, अब जब सरकार खुद लागू कर रही है तो हम इसका विरोध क्यों करें? हमें इन्हें बताना चाहिए कि भाई ये तो ये अच्छी बात है, इसको बताओ, लोगों को पता चलना चाहिए, दुनिया को पता चलना चाहिए ये मनुस्मृति जिससे 3000 वर्षों से जो इस देश के कम से कम 50% लोगों को इन्होंने प्रताड़नाएं दी है, मानव को मानव नहीं माना, अमानवीय है उनके साथ व्यवहार किया है, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करा, उनका जो शोषण किया हर तरह का, तो दुनिया के सामने आनी चाहिए। अब देखिए मैं देख रहा था इसमें कुछ वो कांग्रेसी हैं जो कांग्रेसी इसमें विरोध कर रहे थे, तो मुझे बड़ी हंसी आई, मुझे लगा कि आज ये सबसे बड़ा जोक है। वो कांग्रेसी जिसके की श्री गांधी जो कहते थे हम मैं वर्ण व्यवस्था में घोर विश्वास रखता हूं, जो ये कहते थे जो जो कांग्रेसी कहते थे कि जब हमें डबल वोट का राइट मिला तो उन्होंने ये कहते उसको खारिज कर दिया कि ये तो हिंदू धर्म को तोड़ देगा, ये तो विघटनकारी है, ये तो हिंदू धर्म के खिलाफ है, तो वो जिस हिंदू धर्म की पैरवी करने वाला जिस मनुस्मृति की पैरवी करने वाले श्री गांधी और कांग्रेस आज वो कांग्रेसी घड़ियाली आंसू बहा करके दिल्ली विश्वविद्यालय में आज उनके लोग जाकर के मनुस्मृति दहन कर रहे हैं। आज उनका एक नेता कह रहा बड़ा नेता, मैं तो हंसते हंसते लोटपोट हो गया, वो ये कह रहा है कि भाई हमारे तो नेता पैरियार हैं, हमारे हम तो भीम को मानने वाले हैं। अरे गांधी के मानने वालों, आज तुम भीम को मानने वाले कैसे हो गए? तुम पूछो अपने राहुल गांधी से, जब तुम्हें वोट लेने होते हैं, जब लोगों को मूर्ख बनाना होता है, बरगलाना होता है, तब तुम इसी तरह मंचों पर खड़े होकर के तुम जय भीम बोलते हो, भीम के समर्थक बताते हो, तब संविधान बचाने की बात करते हो, और जब संसद में जब तुम्हारा नेता शपथ लेता है जीतने के बाद भीम के नाम से और संविधान के नाम से जब जीत करके जब वो वहां संविधान पे वहां शपथ लेता है संसद में, जब वो जय भीम नहीं बोलता। और मजे की बात ये कि जो नेता कह रहा था मनुस्मृति के विरुद्ध, जो नेता अभी आज वो जला रहा था फोटो मनुस्मृति की कांग्रेसी,
वो हिंदुस्तान कह रहा है भारत के नाम को, हमारे देश के संवैधानिक नाम नहीं ले रहा है, वो हिंदुस्तान मनुस्मृति में जो नाम था उस नाम से हमारे देश को पुकार रहा है, हिंदुस्तान कह रहा है वो, भारत नहीं कह रहा है। इनको शर्म आती है इन कांग्रेसियों को भारत कहते हुए, इनके नेता को शर्म आती है हमारे देश का जो संविधान में नाम है भारत अर्थात इंडिया, ये नाम लेने में, संवैधानिक नाम लेने में इनको शर्म आती है। मेरा कहना यह है कि इस तरह के जो वाहियात लोग हैं, जो धोखेबाज लोग हैं, जो तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, उनसे सावधान, उनसे उनको बिल्कुल पहचानना है कि ये वही मनुस्मृति के वो समर्थक हैं, ये इनके नेता वो वही मनुस्मृति का समर्थक है जिसने हमारा डबल वोट का राइट छीन लिया, हमारा पृथक निर्वाचन मंडल छीन लिया, हिंदू धर्म टूट जाएगा नाम पर पे, और ये वही कांग्रेसी हैं जिन्होंने कि हमारा आरक्षण छीनने के लिए, हमारा संविधान खत्म करने के लिए निजीकरण लेकर के आए, निजीकरण की नीतियां इस देश में लागू की, अर्थात मनुवाद को लागू करा साक्षात तरीके से इस कांग्रेसियों ने। ये कांग्रेसी घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं आज इसी आकर के ड्रामे कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये सुरेंद्र जी कि हमें सबको इनको पहचानना है, ये कौन है, ये कौन भेस बदल के हमें मूर्ख बनाने आ रहे हैं, हमें धोखा देने आ रहे हैं, हमारी शक्ति अर्थात वोट को लेने के लिए आडंबर पाखंड कर रहे हैं, और जब संसद में जाते हैं तो इनका नेता शिव की फोटो दिखाता है, धार्मिक फोटो दिखाता है, इनका नेता वहां की उनकी सिख धर्म के उनकी भगवानों की फोटो दिखाता है, वहां क्रिश्चियन धर्म के उनकी फोटो दिखाता है, वहां बाबा साहब की फोटो नहीं दिखाता, वहां संविधान की फोटो नहीं दिखाता, वहां वो बात करता है उसकी उसकी बेरोजगारी की, मगर ये नहीं कहता कि अनुसूचित जाति जनजाति का निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू हो, वहां वो बात करता है अग्निवीर की लेकिन वो ये नहीं कहता कि अग्निवीर में एससी एसटी का रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, वो ये नहीं कहता कि इस देश के इस संविधान में जो एससी एसटी के जो जो अधिकार है उनको ताकत से लागू करना चाहिए, उनकी बात नहीं करता। वो कब बात करते हैं, जब बाहर खड़े होते हैं इस तरह से, तब ये नाटक करते हैं, आडंबर करते हैं, और अपने आप को संविधान और अंबेडकर का समर्थक होने का ये नाटक करके हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। सावधान बहुजनों, सावधान, ऐसे पाखंडियों से मायावियों से सावधान रहना, ऐसे जो भेष बदल करके तुम्हें गुमराह कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो तो विरोध ठीक है मनुस्मृति का, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद मनुस्मृति का प्रचार करता हूं, उनका बताता हूं उनके उनकी खिलाफत कि उसमें क्या क्या गलत थी। बाबा साहब ने दुनिया भर की किताबें ये 42 ये वॉल्यूम लिखे हैं जिसमें कि लिखा है उन्होंने मनुस्मृति के एक एक श्लोक को उन्होंने उसका उदाहरण देकर के उसकी परिभाषित किया है कि इसमें क्या हमारे खिलाफ था। तो उसको अगर ये पढ़ा रहे हैं ये मनुवादी, स्वयं अगर अपनी कबर खोद रहे हैं, अगर खुद अपने अपने कुकर्मों को ये बताना चाहते हैं, इनको बताने दो, बताओ तुम्हें, क्योंकि वहां हमारे एससी एसटी के भी वहां पर वो प्राध्यापक और प्रोफेसर होंगे जो बताएंगे स्टूडेंट्स को कि ये अमानवीय ये 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 जो आचार संहिता है, जो मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित ये जो आचार संहिता है, इसका इसकी पोल खुलनी चाहिए, पता चलना चाहिए इसका कि इसमें और भारत के संविधान में क्या 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 वो है खराबियां इसके अंदर, और संविधान में कितनी अच्छाइयां हैं, संविधान ने हमें क्या दिया, और इसने हमें 3500 सालों तक गुलाम बना के रखा, हमारे ऊपर हर तरह के शोषण किए। तो इसलिए मैं जब एक प्रचारक होने के नाते मनुस्मृति का, मैं खुश हो रहा था कि हाँ लागू करो दिल्ली विश्वविद्यालय में, पढ़ेंगे लोग, देखेंगे तुम्हारे कुकर्मों को, तुम्हारी ये आचार संहिता जिसने मनुष्यों को इंसान नहीं समझा, जानवरों से बदतर तुमने उसके ऊपर अत्याचार करे, एक जानवर वहां से नदी से या पोखर से पानी पी सकता था, तालाब से, लेकिन एक इंसान पानी नहीं पी सकता था। बताओ दुनिया को तुम्हारी जलील मनुस्मृति के बारे में कि इसकी एक एक चीज की पोल खुलनी चाहिए, इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, तो इसलिए खोलो, चलो पढ़ाओ उसको, मैं कहता हूँ पढ़ाओ उसको, वहां पर पता चलना चाहिए। देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान रखना इस बात का, जब 1917 में जब रशिया में क्रांति हुई, कम्युनिस्ट क्रांति हुई, तो वहां पर आकर के उन्होंने मार्क्सवाद को पूरे स्कूलों में कंपलसरी कर दिया, उन्होंने मार्क्सवाद को ही पढ़ाया दबा करके विश्वविद्यालयों में स्कूलों में, और आप देखेंगे कि उन्होंने तो अच्छी तरीके से उसको समझाया, लेकिन लोग उसकी बुराइयों को समझ के 60 साल के भीतर भीतर मार्क्सवाद को वहां से लापता कर दिया, वहां से रशिया से, और आज वहां पे कम्युनिस्टों की वहां सरकार खत्म हो गई है 1990 के बाद, वहां पर जो उखाड़ के फेंक दिया लोगों ने, और मैं गवाह हूं इस बात का, बहुत सारे कम्युनिस्टों को जानता हूं, जब रशियन वहां पर कम्युनिस्ट शासन था तो यहाँ के कम्युनिस्टों ने अपने बच्चों को भेजा वहां पढ़ने के लिए, वहां रशिया में, वो मार्क्सवाद पढ़ करके आए यहाँ, लेकिन यहाँ आकर के
वो कमरे वो मार्क्स के खिलाफ उन्होंने काम किया। एक आदमी आकर के लौट करके रशिया से यहाँ मार्क्सवादी नहीं बना, वहां तमाम वो उसके एंटी हो गए, उन्होंने क्या पढ़ा पता नहीं उसमें। तो इसलिए पढ़ाने दो इनको, बताओ स्कूलों में कॉलेजों में कि तुमने 3000 वर्षों तक इस देश के नागरिकों को, इस देश के लोगों को तुमने गुलाम बना के रखा। कौन सी वो अमानवीय है जो तुम्हारी शर्तें थी, जो तुम्हारे कानून थे, जिनके बल पे तुमने इतने सारे लोगों के आर्थिक सामाजिक शारीरिक हर तरह का शोषण किया। तो ये बताने दो, महिलाओं के शोषण करे ये बताने दो इनको। तो मैं तो कहता हूं कि ये कांग्रेसी जो है, ये कांग्रेसी जो विरोध कर रहे हैं, ये इनके झांसे में ना आए। और अगर विरोध करना है तो अपने अपने बहुजनों के जो मुख्य संगठन है, असली संगठन है, उनके साथ मिलकर के विरोध करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।